जैन दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग वापस आ गए हैं ट्रक मास्टर्स इंडिया में। और भाई इस समय बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेलोड्स आए हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार बाइक का पेलोड किया, और अभी तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा पेलोड हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग कौन सा पेलोड करने वाले हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा भाई मशीनरीज हैं, और फिलहाल तो भी कोई नया पेलोड तो है नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको भारत ऑयल दिख जाएगा, ब्लू डार्ट दिख जाएगा। तो ये हम लोगों को भाई मशीनरी दिखी है जो कि जानी है संबलपुर, और ये मशीनरी हो कुछ भी हो सकती है भाई, मतलब कोई भी मशीन का पार्ट या कोई भी बड़ी मशीन हो सकती है, कोई भी इंजन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब वो कौन सी मशीन है वो तो कंपनी वाले जाने जिन्होंने मंगवाया है। हालांकि भाई अब मशीनरी है जो कि मारुति सुजुकी से जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इंजन भी हो सकता है गाड़ी का, क्योंकि भाई मारुति सुजुकी से जा रहा है तो मारुति सुजुकी जो है वो ज़्यादातर इंजन भी बनाती है गाड़ी के। हो सकता है भाई शायद क्योंकि अपने इंजन से लोग भाई देते हों किसी अलग गाड़ी में इंस्टॉल होने के लिए। और बाकी आपको एक चीज़ और बता दे भाई, ये जो ट्रक है ये टाटा का ट्रक है, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ख़रीदा हुआ है इसको, और इसकी कोई वीडियो फ़िलहाल तो नहीं आई, इसको हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे ही ख़रीद लिया था क्योंकि हम लोगों को एक और पावरफुल ट्रक की ज़रूरत पड़ रही थी। और भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरी चीज़ यार इसके पिकअप तो भाई अलग ही लेवल के हैं। अब क्या ही बताएं इसके पिकअप लेवल का, कि अभी आप खुद ही देख लीजिएगा कि अभी देखिए 40 है, और अब हालांकि ये फास्ट फॉरवर्ड है मगर फिर भी आपको एहसास हो जाएगा इसकी वीडियो, मतलब ये वीडियो देख करके आप फील कर सकते हो कि जो इसका पिकअप है वो सच में बहुत ही अलग लेवल का है। आप सोचो भाई 40 से ये देखिए 80, और कितनी जल्दी इसने ज़ीरो पे मतलब ये आ गया है। और अब यहाँ से आप इसका पिकअप देखिएगा, केवल जब ये पूरा पेट्रोल डीजल भरवा करके जब ये नीचे उतरेगा रोड पे, तो इसका पिकअप देखिएगा कि कितना ज़्यादा पिकअप इसका ख़तरनाक है, कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ रहा है। तो देखो अभी आप अभी देखो 24-25 से सीधा इसने 50 देखो इतनी जल्दी कर लिया। बड़े भले ही फास्ट फॉरवर्ड है मगर आप फास्ट फॉरवर्ड में अगर आप नॉर्मल ट्रक की भी अगर डिलीवरी देखेंगे और उसकी पिकअप देखेंगे तो उसमें भी आप सब साउंड में आ जाएगा कि इतनी जल्दी कोई ट्रक फिलहाल पिकअप नहीं पकड़ता है, और इतने सारे हम लोगों ने ट्रक्स यूज़ किए हैं। और देखो लगभग ये भाई 110 के आसपास चल रहा है, और स्पीड आप देख पा रहे होंगे। बस एक चीज़ रहती है कि ट्रेलर ट्रक्स को चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम भाई ये रहती है कि जब आप इनको मतलब रोड पे इधर उधर करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई पूरा ट्रेलर, क्योंकि पीछे से भाई वो जॉइंट ही होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो देखो लगभग हमारी स्पीड जो है वो 140 पहुंच चुकी है, और 150 भाई पहुंचने वाली है। कोशिश ये रहेगी कि 170-180 तक इसको हम लोग लेकर के जाएं, और हमारा बंदा भाई बहुत थका हुआ है और भाई रैश ड्राइविंग कर रहा है। और ये भाई ओ शिट 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 भाई ये रहा खतरनाक एक्सीडेंट, ओ शिट शिट शिट। तो भाई हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, मगर भाई ट्रक और मशीनरी का तो पता नहीं भाई, शायद हो सकता है डैमेज हो गई हो, तो वो तो भाई अब कंपनी वालों का ही है कि हो सकता है शायद भाई हम लोगों के ऊपर पेनल्टी लगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी मशीन्स हो सकता है इसमें डैमेज कर दी हो, वो या हो सकता है भाई बहुत अच्छे से बंधी हो इस वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज ना हुई हो, तो बाद में पता चलेगा। तो हम लोगों का टारगेट जो था वो 170-180 था, और हम लोग लगभग 170 लेकर के अपनी जो ट्रक है उसको पहुँच चुके थे आराम से, कोई दिक्कत हुई नहीं थी। और अभी यहाँ पे देखो हम लोग वापस से 120-130 के आसपास पहुँच रहे हैं, और देखते हैं कि इसको हम लोग कितनी हाईएस्ट स्पीड पे लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ट्रक है वो ट्रेलर ट्रक है, तो जैसे हम लोग थोड़ा सा भी टर्न लेते हैं तो पीछे की बॉडी जो है वो ट्रेलर के साथ तो जुड़ी है नहीं, वो तो सिर्फ एक कनेक्टेड है। देखो वो रायपुर भी पहुँच चुके हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे हम लोग हल्का सा टर्न लेते हैं भाई गाड़ी हमारी बहुत बुरी तरीके से डिसबैलेंस करती है। देखो जैसे ये डिसबैलेंस कर रही है, तो इसकी वजह से जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। और हालांकि देखो 210 किलोमीटर दिया हुआ है मगर भाई इसको हम लोग मेंटेन कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये देखो भाई 170 किलोमीटर आराम से हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और हो सकता है शायद अब यहाँ पर हम लोगों का जो संबलपुर है वो आने वाला हो, और हमारा बंदा भाई थका हुआ बहुत है, तो हम लोगों ने इसको भाई फ़िलहाल खाना वाना खिला दिया था, और यहाँ से हम लोगों को टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड। हाँ एक ग्लिच इनका और है भाई, बड़ा ख़तरनाक ग्लिच है कि जैसे ही हमारा जो ट्रक है वो 150 के ऊपर जाता है ना, तो वो रीरूट नहीं कर पाता, और रीरूट ना होने की वजह से, रूट मतलब सही से ना पकड़ पाने की वजह से जीपीएस में
भाई वो GPS ही ऑफ कर देता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को स्पीड को स्लो करना पड़ता है, और तब जाकर के हमारा GPS जब वापस से चलना शुरू करता है तब वो सही से काम करता है और वापस से हम लोगों की रीरूटिंग हो पाती है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो आपको देखने को मिली थी कि हम लोगों ने इतना शार्प टर्न लिया था और वहाँ पे रोड जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो वो इसी वजह से थी। तो ये लगभग हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और बस थोड़ा सा और हम लोग इसमें फ़िलहाल मारुति सुजुकी से लेकर के आए थे भाई, मशीनरी लेके आए थे, इंजन्स लेके आए थे। वो इंजन्स देखो भाई, हमें तो लग रहा है यार ये भाई हो सकता है पंप्स हों, टाटा केमिकल्स है तो हो सकता है पंप्स हों। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।